और दोस्तों कैसे हैं आप। आज हमारे पास आ गया है एक बॉक्स गूगल की तरफ से और ये लग रहा है लेगो का बॉक्स है। आई रियली डोंट नो, मैंने खोला हुआ नहीं है और इसीलिए मैंने कहा कि एक क्विक वीडियो बना दूं आपको, आपके सामने खोल के सब कुछ बता दूं कि भाई क्या भेजा हुआ है गूगल ने, आपके सामने ही खोलने वाले हैं। चलिए दोस्तों चालू करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। लेगो का बॉक्स है जी हाँ, लेट्स ओपन इट। एंड वो हो पर्सनलाइज्ड है दोस्तों ये। हाय अरुण प्रभुदेसाई, लुक्स लाइक अक्टूबर इज गोइंग बाय प्रीटी फास्ट, व्हाट इज What with a whirlwind of festive celebration? चला गया October. जी हाँ, October खत्म हो गया है। And did you know that it was a cyber security month? जी हाँ, October cyber security month होता है। आपको पता है October में सबसे ज़्यादा cyber attacks होते हैं, उसकी वजह से वो cyber security month के नाम से जाना जाता है। In recent years, 4 billion user names and passwords. 4 billion user names and passwords were exposed due to third party breaches. 4 billion. अपनी जो दुनिया है उसकी पॉपुलेशन जो है दोस्तों कुछ 7.5 बिलियन है, उसमें से 4 बिलियन यूजर नेम्स एंड पासवर्ड जो है वो ब्रीच हो गए, एक्सपोज हो गए। एंड दैट्स व्हाई वी वुड लाइक टू एनकरेज यू टू ऑलवेज बी #हैशटैग ऑन द सेफ साइड व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन सिक्योरिटी। इन दिस बॉक्स देर इज लिटिल समथिंग फ्रॉम अस, मतलब बॉक्स के अंदर कुछ है, कांट वेट टू सी इट। लेगो लेट स्टार्ट, चलिए देखते हैं और क्या है। ऑलराइट, देयर आर 4 बॉक्सेस, बॉक्स के अंदर बॉक्स। Safe browsing, Gmail warnings, two-step verification, password security, account security. सब boxes खोलेंगे धीरे धीरे और देखेंगे अंदर क्या है। सबसे पहले खोलते हैं दोस्तों safe browsing, Gmail warnings. आपको पता है ना safe browsing, Gmail warning क्या होता है? जब आप email खोलते हो दोस्तों तो आपको especially in Gmail आपको अगर वो spam email वगैरह होगा तो ऊपर automatically warning आ जाती है, वही कह रहे हैं ये। And let's open the box. राइट, वो लेगो तो दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो हाउ टू ओपन, मट्टी भी लग रही है। ओके ऑलराइट ओके। वैसे दोस्तों ये जो बॉक्स है, बॉक्स में लिखा हुआ है टू अनलॉक द बॉक्स स्कैन द क्यूआर कोड, और अगर आप QR कोड स्कैन करते हो तो आपको ये जो अलग अलग स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो आपको दिखेंगे कि भाई दिवाली प्राइस फॉर यू, जब ऐसे नाम से ईमेल आता है तो वो 99% स्पैम ही होता है। तो बेसिकली दोस्तों जीमेल जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको जो वार्निंग्स होते हैं उसके पास ध्यान से पढ़िए, इग्नोर मत कीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए दोस्तों आप खोलते हैं दूसरा बॉक्स विच इज टू स्टेप वेरिफिकेशन। आई जस्ट होप कि भाई इसमें जैसे मट्टी वगैरह थी वैसे इसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें भी लिखा हुआ है टू अनलॉक द बॉक्स स्कैन द QR कोड, देखते हैं। हो गया स्कैन एंड आ गया है टू स्टेप वेरिफिकेशन, स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी फॉर योर गूगल अकाउंट। चलिए दोस्तों बॉक्स को खोलते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट अंदर क्या है। ओके एंड मोर लेगोज, जी हाँ और लेगो हैं। एंड इंस्ट्रक्शन भी है कि भाई ओके दिस इज अ मोबाइल स्टैंड, और बहुत सारे लेगोज हैं इसके अंदर। यस, चलिए कर देंगे, बेसिकली मोबाइल स्टैंड है। लेकिन आपको बोल दूं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है, जब आप लॉग इन करते हो या नए कंप्यूटर से लॉग इन करते हो, लॉग इन नेम पासवर्ड डालने के बाद आपका जो अकाउंट है वो खुल जाता है, बट इट इज नॉट सेफ, क्योंकि अगर आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो किसी के हाथ लग गया तो इमीडिएटली एक्सेस कर पाएगा। इसीलिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब सेकेंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन आपको होना चाहिए, और अगर आप वो एक्टिवेट करते हो तो लॉग इन नेम पासवर्ड के साथ आपको एक OTP भी आएगा जो आपको डालना पड़ेगा। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है या फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जरूर ऑन कीजिएगा आपके अकाउंट में। चलिए दोस्तों करता हूं मैं इसे असेंबल और आपको दिखाता हूं कैसा है लेगो का मोबाइल स्टैंड। लेट्स ओपन द नेक्स्ट बॉक्स दोस्तों, पासवर्ड सिक्योरिटी। जी हां, स्कैन करते हैं QR कोड इसका, google.com/passwordcheckup। जी हाँ, ये जो है आपका जो पासवर्ड होता है वो चेकअप करने के लिए, बेसिकली स्ट्रांग है वीक है ये सब आपको बताता है और अच्छा पासवर्ड आपको दिलाता है। चलिए खोलते हैं इस बॉक्स में भी क्या है देखते हैं। एंड लेट्स ओपन द बॉक्स। ओके, इसमें भी
कुछ है, फोटो फ्रेम है। वाओ, नाउ दैट्स नाइस। कीप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ ऑन द सेफ साइड #. व्हाइल 30% ऑफ अस कीप इंपॉर्टेंट डेट्स लाइक एनिवर्सरीज एज आवर पासवर्ड, अ क्वार्टर ऑफ अस यूज पेट्स नेम। दोस्तों, सबसे जो पॉपुलर पासवर्ड्स होते हैं वो पासवर्ड इज पासवर्ड 123456, या फिर अपना पेट का नाम या और किसी का नाम, या फिर अपना बर्थ डेट, ये सब डालते हैं। ये मत कीजिए। आप अगर डालते हो पासवर्ड तो स्ट्रॉन्ग रखिए, जो एक वर्ड ना हो। अगर नंबर्स इस्तेमाल करते हो तो रैंडम नंबर्स इस्तेमाल कीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह मत इस्तेमाल कीजिए। एंड चलिए आप करते हैं फोटो फ्रेम असेंबल। और दोस्तों, जो फाइनल बॉक्स है वो है अकाउंट सिक्योरिटी। जी हाँ, ये अकाउंट सिक्योरिटी क्या होता है? इसेंशियली आपको गूगल पे दिखता है कि आपने कितने थर्ड पार्टी एप्स को एक्सेस दिया हुआ है। वो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। आप क्या करते हो कि हाँ, आई वॉन्ट एक्सेस, थर्ड पार्टी विशेस टू एक्सेस दिस अकाउंट, आप कहते हो ओके, क्योंकि उस टाइम काम करना होता है। और हाँ दोस्तों, अकाउंट सिक्योरिटी में एक चीज आपको पता चलती है कि कितने सारे डिवाइसेस पे आप लॉगिन हो, या फिर लास्ट किसने लॉगिन किया है, कहां कहां से लॉगिन किया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई लॉगिन जो है गलत है, आपने नहीं किया हुआ है, तो इमीडिएटली पासवर्ड चेंज कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑन द सेफ साइड, लेट्स ओपन दिस बॉक्स। इसके अंदर क्या है? ओके, हैज अ स्वीट साइड, नो हैकर्स। बीइंग ऑन द सेफ साइड हैज स्वीट साइड, नो हैकर्स। कंप्लीटिंग योर अकाउंट सिक्योरिटी चेकअप लेट्स यू नो विच डिवाइसेस यू आर साइंड इन फ्रॉम एंड विच थर्ड पार्टी एप्स हैव एक्सेस। वाओ, ओ कुकी है दोस्तों, बिस्किट है, एंड दिस कैन बी ईटन, दिस इज नाइस। वाओ, एंड इट इज टेस्टी। और हाँ दोस्तों, अकाउंट सिक्योरिटी में और एक चीज, आपका जो बैकअप ईमेल आईडी होता है, बैकअप फोन नंबर वगैरह होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चेक कीजिए। क्योंकि समझिए, आप आपका पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको आपका जो अकाउंट है वो रिकवर करना है तो उससे होता है, आपका जो बैकअप ईमेल आईडी होता है या फिर बैकअप फोन नंबर होता है, तो वो चेक कीजिए ताकि आपका अकाउंट जो है हमेशा सिक्योर रहे। चलिए दोस्तों, हो गया है खाली बॉक्स, और कुछ तो है नहीं इसके अंदर। क्विकली आपको बता दिया, रिमाइंड कर दिया, ऑन द सेफ साइड, #, ऑन द सेफ साइड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वीडियोस मैंने पहले भी किए हुए हैं, लेकिन आजकल इतने ज़्यादा ब्रीचेस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हैकिंग हो रहे हैं, जितना हम कहेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी जो अकाउंट है वो सेफ रहे। ऑलवेज बी ऑन द सेफ साइड। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।